अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में चालीमार में भी कार्यक्रम हुए। इन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा 7100 दीपों को शाम के समय में प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में रजनीश बांगा, मैत्री पालावत, मनीष बारेट, जानकी देवी, हरिकिशन खत्री, धीरज लिखियानी, सुरेश कुकरेजा के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी सहयोग किया गया। सर्वप्रथम नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसके उपरांत 7100 दीपों को प्रज्वलित किया गया। उसके बाद भक्तिमय माहौल बनाते हुए आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, आज श्री राम आएंगे। इन गानों पर और भी कई भक्तिपूर्ण गानों पर वहां सभी उपस्थित लोगों ने नृत्य किया। 7100 दीपक जब एक साथ प्रज्वलित हुए तो वहां का माहौल देखने लायक था। सभी अपने आप को आत्मविभोर महसूस कर रहे थे। अंत में प्रसाद वितरण हुआ और आतिशबाजी भी की गई। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं और श्री राम जन्म उत्सव मना रहे हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्री राम जब आए थे इसी तरह का उत्सव मना होगा। आज हमने शालीमार में 7100 दीपक जलाकर, पूरी दीप वाला जलाकर सभी शालीमार वालों ने हमें मिलजुल कर, विशेषकर मैत्री जी का बहुत ये अगवा है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया और इन्होंने ये दीपमाला का आयोजन किया और सभी के सहयोग से हम आज ये इतना भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमें दिल से कहूँ इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि जैसा हम राम राज्य में आ गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सियाराम। बहुत ही आनंद के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 11 दिन के हनुमान चालीसा पाठ और 20 बच्चों को कराया है, तो आज ही सब लोग परफॉर्मेंस देंगे अपना घर शालीमार में भी और मंदिर में भी। और ये सब बच्चे आप एक बार देख लीजिए, सारे बच्चे हैं जिनको सिखाया है हनुमान चालीसा हम लोगों ने, और ये परफॉर्मेंस देंगे। जय श्री राम, राधे राधे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैत्री बाईसा के नाम से। राधे राधे। सन 24 आ गया, 24 की 22 जनवरी भी आ गई। बड़ा इंतजार था इस दिन का, हमारे राम आएंगे, राम आएंगे। आ गए राम, आज अयोध्या में आ गए राम। सबके सबके आराम, श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है आज ये। आज की ये पीढ़ी, आज का जो ये समाज देख रहा है, ये बड़ा भाग्यशाली है कि इनके समय में ये समय आया है। वरना ना जो पीढ़ियां गई हैं उन्होंने देखा, ना आने वाली पीढ़ियां शायद देख पाएंगी। जो आज का दिन बना है ये ऐसा दिन नहीं बनेगा। बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम।